रामगढ़ उपचुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में सुमन मजोका का नामांकन, अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज राजस्थान। खबर है अलवर जिले के रामगढ़ से, तो देखिए हमारे रिपोर्टर अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट। रामगढ़ उपचुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बनी है, जब आजाद समाज पार्टी से सुमन मजोका ने महिला प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हुए अपने नामांकन दाखिल किया। ओल्ड राजपूत समाज से आने वाली सुमन मजोका सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रामगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंची थी। सुमन ने बताया कि उनके समाज के लगभग 48,000 मतदाता हैं, लेकिन अन्य पार्टियां उनके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देती, इसलिए वे चुनाव में उतरी हैं। उनके समर्थन में राजाराम जाटव, डॉक्टर बलबीर सिंह मजोका और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले इसी पार्टी से वर्तमान भाजपा प्रत्याशी ने भी चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे। अब रामगढ़ में भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मुकाबला जीतता कौन है। बने रहें केएस न्यूज़ राजस्थान के साथ और देखते रहें ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जी, मैं जनता के बीच में जाऊंगी जब, तो मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि जो भी वहाँ उनकी परेशानियाँ हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी परेशानियों को दूर करूंगी। वो बहुत परेशान होंगे, महिलाएं भी बहुत किस चीज़ से परेशान हैं, तो सबसे पहले मैं जाके उनसे पूछूंगी कि आपकी परेशानियाँ क्या हैं और आप उनको दूर करने की कोशिश करूंगी मैं, और मुद्दे जो भी होंगे उनको हर कदम पर मैं उनके